पाँच महीने के बाद पप्पू यादव जो जाप सुप्रीमो हैं उनको आज बेल मिली है। आपको बता दें कि 32 साल पुराने मामले में जो है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें मधेपुरा जेल में रखा गया। हालांकि वो दरभंगा में लगातार इलाज करवा रहे थे, लेकिन फिलहाल जब आज उनको रिहाई मिल गई है तो हम उनके आवास पे मौजूद हैं जहां उनका पार्टी कार्यालय भी है। और यहां ये तस्वीर जो है वो देखिए किस तरीके का यहां जो स्थिति है वो बता रहा है। तमाम लोग जो हैं होली खेल रहे हैं, हाथों में अबीर है और तमाम लोग जिस तरीके से कहा जाए कि लगातार जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को लेकर उनकी पार्टी लगातार सड़कों पर मार्च कर रही थी। कई तरह की जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे थे, हस्ताक्षर अभियान तक चलाए गए पप्पू यादव को लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से पप्पू यादव को आज रिहाई मिली है उसके बाद तमाम जो जाप के नेता हैं वो जिस तरीके जो अबीर हो या मिठाइयां तमाम लोगों को बांटी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जिस तरीके से बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है तो क्या उपचुनाव के दौरान ही उनको रिहाई मिली है। कई ऐसे सवाल जो हैं वो लगातार लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से कहा जाए कि 2 सीटों पर उपचुनाव हैं और RJD ने जिस तरीके से दोनों कैंडिडेट उतार दिए हैं और कांग्रेस, अब कहा यह जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पप्पू यादव जो हैं उनको तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जो है वो कांग्रेस उतार सकती है। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से तमाम लोगों को जो है वो तमाम नेताओं के द्वारा छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको मिठाइयां बांटी जा रही है। साफ तौर पर ये जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का ये आवास है और यहीं उनका पार्टी कार्यालय भी है और यहीं पर जिस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को मिठाइयाँ बांट रहे हैं। नेताओं से बात करेंगे कि कितनी खुशी है। हालांकि कितनी खुशी है दानवीर जी? बहुत बहुत खुशी है। दीन दुखियों के सेवक, गरीब गुरबों के मसीहा, स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले क्रांति नायक, क्रांतिवीर, शेरे बिहार आदरणीय पप्पू यादव जी की रिहाई ये जनता की जीत है। देश प्रदेश के करोड़ों लोगों की दुआ आज काम आई, दुआ आज रंग लाई। उनके चाहने वाले और पार्टी के तमाम नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मैं सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सभी ने जो मेहनत किया, सभी की दुआएं आज रंग लाई है। न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते कभी गलत नहीं हो सकता है, झूठ प्रशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। हम संविधान और न्याय व्यवस्था के आभारी, हम सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी का मेहनत रंग लाया। एक सवाल है कि जिस तरीके से अभी उनको बेल मिला है, 32 साल पुराना मामला था, लेकिन अभी चुनाव है, दो सीटों पर उपचुनाव है, क्या लगता है आप लोग कह रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जो है वो अंदर किया गया था और अब राजनीतिक जो कहा जाए कि राजनीति में के चलते ही बाहर लाया गया है क्या? ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही उनको अंदर किया गया था, लेकिन हमको न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। हम तो बोल ही रहे हैं कि माननीय न्यायालय पे भरोसा था, हमें न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। और हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि सत्य की विजय होगी, सत्य सत्य है, उसको झूठ कभी भी परेशान नहीं कर सकता है, परेशान कर सकता, पराजित नहीं कर सकता है। और हम एक बात कह देना चाहते हैं कि आदरणीय पप्पू यादव जी सेवादारी कभी छोड़ने वाले नहीं है, उनके रोम रोम में बसता है सेवादारी। उनके चुनाव भी लड़ेंगे क्या? वो आएंगे तो तय करेंगे, वो आला कमान है, जो तय करेंगे हम लोग का सब निर्णय सर्वमान्य होगा, वो आने के बाद पता लगे ना क्या होगा नहीं होगा। लेकिन उनके नेतृत्व में हम लोग फिर से पार्टी के नए कार्यों में आगे बढ़ेंगे और उनके रहने पर एक अलग ही मने माहौल रहता है, उमंग रहता है, एक अलग ही उल्लास होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश की जनता की जीत है कि एक मसीहा, एक मददगार आ गया है फिर से। आप तैयार हो जाइए, आपको मददगार आपके लिए फिर हाजिर है, सेवक आपके लिए फिर हाजिर है। तो ये थे हमारे साथ राजू दानवीर, जो जाप के युवा अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमने बात की है। और सवाल, क्या चुनाव है, लड़ेंगे पप्पू यादव जब बाहर आ गए हैं, तो चुनाव है 2 सीटों पर तो लड़ेंगे, या कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। और कई ऐसे खबर भी है जो कहा जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने ज़रूर आ रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है पप्पू यादव जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। बने रहिए इस इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।